आज के वीडियो में हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर क्या होता है? टाइम आ गया है फर्म को क्लोज करने का। देखिए, जहाँ से पार्टनरशिप शुरू होती है, तो आपने पहले बेसिक पार्टनरशिप देखी कि जब लोग पार्टनरशिप करते हैं तब क्या होता है। फिर आपने एडमिशन देखा कि कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो अकाउंटिंग कैसे होती है। फिर आपने रिटायरमेंट देखा कि कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा। नाउ इट्स अ टाइम कि अब क्या है, उन्होंने कहा हमें बिजनेस करना ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि ए बी सी, मान लीजिए तीन लोग हैं, इनमें क्या होता है आगे चल के डिस्प्यूट हो गया, अब उनका मन नहीं मिलता आपस में, ठीक है। बाद बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डेडलॉक हो जाता है, बात करना बंद कर देते हैं, या कोई बंदे का बिहेवियर है हमें पसंद ही नहीं आ रहा। तो हमने कहा कि ऐसे घिसट घिसट के काम क्या करना, फर्म क्लोज करो। तो साहब अब आपको ये करना है सर कि आपको अपनी जो फर्म आपने बनाई है उसे क्लोज करना है। अब इसके मेजर तीन इम्पैक्ट होते हैं, मैं बताऊं आपको। पहला तो ये है कि आप जो अपना बिजनेस है उसके ऑपरेशन आप बंद कर देंगे सर। जो बिजनेस आप चला रहे हैं, परचेज सेल, रूटीन एक्टिविटीज बंद कर देंगे, पहला काम तो ये। दूसरा ये है कि जितने भी आप असेट हैं उनको आप ठिकाने लगा दोगे। कि सर ठिकाने लगा दोगे मतलब, देखो असेट को आप क्या करेंगे सर, सेल कर देंगे। और हो सकता है कोई असेट सेल नहीं हो पा रहा है तो कोई पार्टनर उसे ले लेगा। पार्टनर खुद इंटेंशनली भी हो सकता है कि किसी असेट्स के लिए बोले भाई ये कार मेरी फेवरेट है, मैं ले रहा हूँ, आप ले लो। तो असेट को या तो सेल करेंगे या कोई पार्टनर ले लेगा। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमें असेट किसी को देनी पड़ जाए। सपोज करो हमारे पास स्टॉक है और एक बंदा है, क्रेडिटर है, वो हमारे पास पैसे मांगता है, पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा तू तेरा माल ही ले जा यार, तू स्टॉक ले जा। तो हम हो सकता है कि ये जो असेट है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी के अगेंस्ट दे दें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेंसी में जहाँ भी थोड़ी हलचल होती है तो वहाँ अपन एंटर करते हैं। जहाँ भी आप समझना, अकाउंटिंग में होते क्या हैं, ट्रांजेक्शन इवेंट्स, तो कुछ भी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस चैप्टर में भी भर भर के एंट्रीज होंगी, बट ईजी हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कहीं कहीं टफ है, बट एंट्रीज बिल्कुल आसान है। अभी मैं आपको एक PPT में आपको एंट्रीज भी बताऊँगा और फिर एक क्वेश्चन भी आज अपन लगाएंगे। तो मैंने क्या कहा, असेट को आप डिस्पोज कर देंगे सर, असेट्स को आप निपटा देंगे। और निपटाने के तीन पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसे सेल करेंगे, या उसे कोई पार्टनर ले लेगा, या वो किसी लायबिलिटी को दे दी जाएगी। इसी तरह तीसरा काम ये होगा कि आप अपनी लायबिलिटी को, आप अपनी लायबिलिटीज को डिस्पोज करोगे। और लायबिलिटी को निपटाने के भी यही तीन तरीके होंगे, या तो आप सिंपली उसका पेमेंट करोगे, कोई क्रेडिटर है, कोई लोन है, आप उसका पेमेंट करेंगे, या कोई लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, किसी किसी लायबिलिटी की जिम्मेदारी पार्टनर ले लेगा। कि सर ऐसा कैसे होगा, जैसे सपोज करो हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है एज वाइफ लोन 50,000। तो मतलब ABC एक पार्टनरशिप फर्म है और ए की जो मिसेज है उनसे लोन लिया गया था। तो अब हम एक तरह से ये कह देंगे ए को कि भाई ये तेरी मिसेज वाले पैसे हम तेरे को दे देंगे, तेरी मिसेज वाले पैसे हम तेरे को दे देंगे। तो या ए ने, इन अदर वर्ड्स ये कह दो कि ए ने कहा कि आप पैसे मुझे दे दो, मैं इसको निपटा दूंगा। दैट इज आप पैसे मुझे दे दो और ये लायबिलिटी मेरे माथे रही। कुल मिला के कभी कभी कोई कोई लायबिलिटी पार्टनर ले लेता है, या कोई कोई लायबिलिटी को हम असेट देकर फ्री कर देते हैं, ठीक है, बाय गिविंग असेट। किसा समझ नहीं आया वापस, देखो मैं अभी एंट्रीज बताऊंगा, बट या तो देखो लायबिलिटीज को आप पैसा दे दो, या लायबिलिटीज की जिम्मेदारी कोई पार्टनर उठा लेगा, या जैसे एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर को आप असेट पकड़ा दो, बैंक वाले पीछे पड़ गए तो उनको मशीन दे दो, कार उठा के दे दो। तो ये कुछ चीज़ें निपटानी होती है, इन्हीं सभी की अकाउंटिंग होगी। बट ऑब्वियस है कि ये सब होगा तो ये सब होने से प्रॉफिट या लॉस होगा। कि सर प्रॉफिट लॉस क्यों हो गया, अरे वो इसलिए होगा क्योंकि असेट जितनी होगी तो जरूरी नहीं थोड़ा ना उतने पैसे मिले, उससे ज़्यादा मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं। और क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज हैं, जरूरी थोड़ा ना उतने रुपए में राजी हो जाएं, कम में भी फ्री हो सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। और इस सब प्रोसीजर में लीगल कार्रवाई होगी बहुत जगह, तो एक्सपेंसेस भी होते हैं। इससे पूरे से मिला के आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, वो के लिए आपको एक रिलायजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। हम इसे हिंदी में वसूली खाता बोलते हैं। तो ये रिलायजेशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इससे आपके नतीजे सामने आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो फिर
इस अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा और फाइनली हम पार्टनर्स को भी निपटा देंगे। अगर आप याद कीजिए कि बेसिक पार्टनरशिप में पार्टनर्स पैसे लाए थे, तो नाउ टाइम कि हम उनका पैसा रिटर्न कर देंगे। डिसोल्यूशन के आखिर में आते आते आप पार्टनर्स की कैपिटल उनको लौटा देंगे। ठीक है, अभी अपन एक पीपीटी देखने वाले हैं जिसमें अपन एंट्रीज देखेंगे। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की थ्योरी पे, डिसोल्यूशन वगैरह होती क्या है। अगर आपको थ्योरी बोर करती है तो मैं आपको कहूँगा कि ये पीपीटी आप स्किप कर दें और सीधा क्वेश्चन पे आ जाएं। बाकी इसके अंदर एक ज़रूरी थ्योरी है जो अपने को पता होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। बेसिकली जैसे डिसॉल्व होने का मतलब ऐसा होता है कि अगर एक दवाई है, अगर आप उसे डालते हैं पानी में तो दवाई घुल जाती है और थोड़ी देर में दवाई दिखनी बंद हो जाती है क्योंकि वो पानी में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो वैसे ही एक फर्म जो है वो अचानक डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, आपको दिखना बंद हो जाएगी। क्या है जी मामला, मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन, तो बताएं क्या होता है। तो अब ये कहता है जवाब, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज द प्रोसेस बाय विच द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है, जो थी बट अब नहीं रहेगी। दिस इन्वॉल्व्स द सेल और डिस्पोजल ऑफ असेट्स, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें तीन चीज़ें होंगी, एक तो आप असेट को सेल करोगे, अपनी लाइबिलिटीज को चुकता करोगे, पेमेंट करोगे, बिजनेस क्लोज हो जाएगा और आपको अकाउंट्स भी क्लोज करने हैं। वंस द आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म्स आर सेटल्ड, द पार्टनर्स टेक अवे देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बाहर वालों का पेमेंट हो जाने के बाद पार्टनर्स अपनी कैपिटल जो लगाई थी वो निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, उतनी तो नहीं होगी, उससे कम या ज़्यादा उनको मिलेगी। इफ देयर इज एनी सरप्लस और डेफिसिट इन दिस प्रोसेस, इट विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर जैसे आप असेट को सेल करोगे, लाइबिलिटीज को पेमेंट करोगे, तो उस दौरान हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हो। अगर ऐसा कोई प्रॉफिट या लॉस होता है अगर बेटा, तो उसे पार्टनर्स ही बेयर करेंगे पार्टनरशिप रेशियो में। चलिए और देखते हैं अब टाइप कि भाई डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो देखते हैं अपन पढ़ने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अभी आपको पांच अलग अलग तरह के रीज़न बताएगा जिस वजह से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। वेल, व्हेन द पार्टनर्स देमसेल्व रीच एन अग्रीमेंट टू डिसकंटिन्यू देयर बिजनेस फॉर वॉट एवर रीज़न, इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। सबसे कहें सुंदर तरीका जो है, सोबर तरीका है, वो यही है कि पार्टनर अग्रीमेंट के द्वारा, अग्रीमेंट से फर्म डिसॉल्व कर ले। रीज़न कोई भी हो सकता है, पार्टनर्स में अब बात होना बंद हो गई है, पार्टनर्स की अब अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, या फर्म में जो बिजनेस है अब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। वॉट एवर द रीज़न, अगर वो पार्टनर्स मिल बैठ के तय करते हैं कि यार बस ठीक है, बहुत दिन तक दोस्ती कर ली, अब बस जाना है तो जाना है। दूसरा आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल और द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट और द सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री हैपेंस टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। बिल्कुल, तीन रीज़न उन्होंने बताए। भाई आपने बिजनेस किया था, हो सकता है तब वो लीगल बिजनेस हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि वो बिजनेस इलीगल हो जाए। हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो और बाद में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लग जाए, तो वो बिजनेस आपका इलीगल हो गया। इसी तरह अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। या अगर किसी कंट्री जिससे हमारी दुश्मनी है, वहाँ के किसी बंदे को आप मिला लेते हो अपने साथ, तो भी आपकी फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। जब वॉर होता है तो हम नेशंस को डिवाइड कर देते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड नेशन होते हैं, कुछ एनिमी नेशन होते हैं। तो एनिमी नेशन का बंदा अगर हमारा पार्टनर है तो हमारी फर्म कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाएगी, बट ये कभी कभी होता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ये क्या है जी, अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय सर्विंग अ नोटिस टू द फर्म। ABC है, सी ने कहा भाई मैं तो जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ फर्म डिसॉल्व कर दी जाए, तो एक नोटिस सर्व करके भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अब देखो कोर्ट कब दखल अंदाजी करेगा, तो देखते हैं क्या क्या है। कोर्ट मे इनिशिएट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। केस वन, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। When a partner is guilty of misconduct which may affect the business, when a partner commits the willful breach of contract, any other reason which the court may find adequate.
वेल, इन्होंने तीन चार रीज़न दिए हैं। पहला है, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, भाई जब किसी बंदे का दिमाग हिल जाता है, वो किसी चीज़ को नहीं समझ पाता, उसके होने वाले इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ पाता, उसका माइंड स्टेबल नहीं रहता, तो ऐसे केस में फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। कोई कोर्ट को प्ली करेगा, प्रार्थना करेगा और कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। इसी तरह अगर कोई बंदा मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट के फिर बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे फर्म की रेपुटेशन डाउन होती है, तो भी फर्म को डिसॉल्व करने का कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि तब पार्टनर्स के लिए काम करना एक दूसरे के साथ पॉसिबल नहीं होता। या कोई बंदा अगर जानबूझ के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, भाई जो कह रखा है उधार सेल नहीं करना फिर भी उधार सेल करता है, कुछ भी चेक आप साइन नहीं करोगे फिर भी साइन करता है, तो विलफुल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है जानबूझ के, या कोई भी और रीज़न जो कोर्ट को लगता है यार ये ठीक रीज़न है, ऐसी फर्म को तो डिसॉल्व ही कर देना चाहिए, तो ये चौथा हुआ। और डिसॉल्यूशन बाय द एक्सपायरी ऑफ अ प्री डिटरमिन्ड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपने जैसे दो साल के लिए पार्टनरशिप की थी, दो साल पूरे हो गए, या कोई ऑब्जेक्ट के लिए की थी, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, तो इन केसेस में भी आप फर्म डिसॉल्व कर सकते हो। ये कहता है द डिसॉल्यूशन टेक प्लेस इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स विच आर फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और द कम्प्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर आपने कहा था दो साल की है या ये फिल्म बनने तक की हमारी पार्टनरशिप है, तो जैसे ही फिल्म बन गई या दो साल पूरे हो गए, तो जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा तो वो स्पेसिफिक पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। तो ये आपने अभी थोड़ा सा सुना, एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। थोड़ा सा थ्योरी है तो बोर करती है लेकिन ज़रूरी है। अब अपन अकाउंटेंसी पे आते हैं। द फॉलोइंग लेजर अकाउंट वुड बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब किसी फर्म का डिसॉल्यूशन होगा तो तीन अकाउंट मेन बनेंगे, मेन मैक्स टू मैक्स पाँच अकाउंट बन सकते हैं। पहला अकाउंट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी असेट हैं, लाइब्रेरीज हैं, उन सब के लिए बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनेगा अगली स्लाइड में वही आएगा। सेकेंड है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अलावा होगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, इसके अलावा आपका लोन अकाउंट अगर पार्टनर्स का कोई लोन है तो वो, और एक बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो ये अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट हमेशा बनाना ज़रूरी नहीं है, अगर फर्म करंट अकाउंट मेंटेन करती है तो आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो तीन अकाउंट बनते हैं मेनली, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक। लोन भी होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है सर। चलिए अब आप करेंगे कैसे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप ट्रांसफ़र करो ऑल बैलेंस शीट आइटम टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। जब भी फर्म का डिसॉल्यूशन होगा तो जो भी बैलेंस शीट आपको दी हुई होगी आप उसे ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे अभी आएगा। ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट बुक वैल्यूज। आराम से आपकी जो असेट होती है उनका डी आर नेचर होता है, आप उस असेट्स को तो करेंगे सी आर और रियलाइजेशन होगा डी आर, यानी मैं इसका आंसर बोलने वाला हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू असेट। ये काम करना है, पहले आंसर देख लीजिए। अब आपको ध्यान रखना है असेट साइड में जो कैश होता है, बैंक होता है, वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, और भी दो चार चीज़ें होती है जो ट्रांसफ़र नहीं करनी, अदरवाइज़ आपको बाकी सारी के सारी असेट्स ट्रांसफ़र करनी है। ये सब कैसे करना है इसके लिए क्वेश्चन अभी आने वाला है। अगेन मैं कहूँगा आप बोर हो रहे हैं बेटा तो आप पहले वो जाके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और थ्योरी अच्छी लग रही हो तो सुनते रहो, बढ़िया है। आगे है जी लाइब्रेरीज। अब द लाइब्रेरीज शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। आराम से जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे क्रेडिटर हुआ, बिल पेबल हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, इन सब का सी आर नेचर होता है, तो आप इन सब को तो करेंगे डी आर, तो सी आर होता है और आप डी आर करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरीज करेंगे डी आर टू रियलाइजेशन, तो इसका आंसर ये होने वाला है सेंट्रल लाइब्रेरीज डी आर टू रियलाइजेशन। एक एक का नाम लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रियलाइजेशन, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, द रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, तो वो तो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे आपने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में किया। डिसॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी रिजर्व्स को तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करना है। तो अब तक आपने असेट ट्रांसफ़र कर लिया सर और लाइब्रेरीज ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और रिजर्व का क्या होगा रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी एंट्री ये है। आगे डिस्पोजल ऑफ असेट्स। डिस्पोजल ऑफ असेट यानी आप असेट को निपटा दोगे निपटाने का मतलब है आप सेल करोगे। सेल करोगे तो कैश आएगा, तो कैश आएगा ऊपर और नीचे आएगा रियलाइजेशन। जैसे डेटर से पैसा मिलेगा तो कैश टू डेटर नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा कैश टू रियलाइजेशन। और अगर
डेटर से वसूली नहीं हुई बल्कि किसी पार्टनर ने कहा कि डेटर से पैसे मैं वसूल करूंगा, तो हम उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। यानी या तो एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो अभी ये आने वाला है सर, अगर हमने असेट को सेल किया तो कैश डीआर होगा, और अगर किसी पार्टनर ने कहा मैं ले रहा हूँ इसे तो पार्टनर्स कैपिटल डीआर होगा। फॉर एग्जांपल मैं फिर बोलता हूँ, कार है, कार आपने सेल कर दी तो कैश टू रियलाइजेशन, और बी ने कहा मैं ले रहा हूँ तो एंट्री बनेगी बी टू रियलाइजेशन। इसी तरह पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करोगे तो कैश आएगा नीचे, ऊपर आएगा रियलाइजेशन। तो जनरली आंसर विल बी रियलाइजेशन टू कैश, समटाइम आंसर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल भी हो सकता है, वो आप समझ जाएंगे। या तो आप कैश में पेमेंट करेंगे 90% केसेस में, तो और पार्टनर्स कैपिटल भी नीचे आ सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। जब इतना सब असेट सेल होता है, आप प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करोगे, क्रेडिटर से झगड़ा करके उनका हिसाब करोगे, बैंक लोन चुकाओगे, इन सब में खूब कागजी कार्रवाई होती है, पैसा खर्च होता है। तो कैश गया, कैश आएगा नीचे, ऊपर आएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश लिखना है, ठीक है। और अगेन कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल भी आ सकता है, अगर खर्चा कोई बंदा अपनी जेब से करता है तो आंसर मे बी रियलाइजेशन टू कैश, मे बी टू पार्टनर्स कैपिटल भी हो सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कोई लोन चल रहा है पार्टनर का, एज लोन, बीज लोन, तो आप उसका पेमेंट कर देना डायरेक्ट, कैश आपका जाएगा और पार्टनर्स लोन आएगा ऊपर, तो एंट्री बनेगी सर पार्टनर्स लोन टू कैश, और कभी कभी टू रियलाइजेशन भी आ सकता है, अगर वो बंदा कोई असेट लेता है अपने लोन के अगेंस्ट में, कोई असेट लेता है तो, ठीक है। चलिए, इफ़ देयर इज एनी डिफरेंस इन द पार्टनर्स लोन अकाउंट देन इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है जैसे 10,000 का लोन हो और हमने उसे 11,000 पे कर दिया, तो जो 1,000 का गैप है वो रियलाइजेशन में जाएगा, या कम पेमेंट भी करेंगे तो गैप है रियलाइजेशन में जाएगा, कुल मिलाकर पार्टनर्स लोन आप ख़त्म कर देना हो। आगे है, ये सब करने के बाद इतनी सारी एंट्रीज, और अगेन मैं कह रहा हूँ ये सब कैसे होगा उसके लिए आप क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो है, अगला वीडियो है। एंड में क्या होगा, आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, उसकी CRO DR का जोड़ कर देना, जो भी गैप आएगा प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, और वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, बैलेंस द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनल बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी सेटल्ड इन कैश। सबसे पहले आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसका जो भी नतीजा रहा वो पार्टनर्स कैपिटल में गया, आखिर में आप पार्टनर्स कैपिटल का भी पेमेंट कर दोगे, उनका जो भी पैसा है वो कैश में उनको रिटर्न कर देना। अगर किसी की कैपिटल नेगेटिव हो गई है तो उससे अपन कैश मंगा भी लेंगे, आखिर में हिसाब साफ कर देते हैं। सोचो कभी पार्टनरशिप शुरू हुई थी तो पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, अब समय आ गया है पार्टनरशिप एंड हो रही है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल लौटा देंगे, ठीक है। लास्ट में अच्छी बात यह है कि आपका लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बनेगा, कैश और बैंक बनेगा, और वो ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा, आपका DR साइड CR साइड बराबर आ जाएगा अगर आपने सारा काम सही किया है तो। वेल, अगर ये टैली नहीं होता तो आप समझ जाना कि आपसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है सर। तो ये सिंपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़े से दो चार मिनट की बात और है। ऑन डिसोल्यूशन, हाउ यू डील विद पार्टनर्स लोन इफ इट अपीयर्स ऑन द असेट साइड एंड इफ इट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए अगर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे बीज लोन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमने बी से पैसे ले रखे हैं और अब हम बी के पैसे लौटा देंगे, एंट्री बनेगी बीज लोन टू कैश। और अगर बीज लोन असेट साइड पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लोन हमने बी को दे रखा है और अब ऐसा लोन हम उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उल्टा अलग अलग ट्रीटमेंट है। देखिए अब मैं आंसर पढ़ता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। इफ़ पार्टनर्स लोन अपीयर ऑन द असेट साइड, अगर असेट साइड पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब यह है कि पार्टनर ने लोन ले रखा है, फर्म ने लोन दे रखा है, और चूंकि पार्टनर ने लोन ले रखा है तो वो बिजनेस को लौटाएगा, तो ये पैसा हम उसके कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे। ओके, कन्फ्यूज़ नहीं होना। असेट साइड में अगर लोन है तो उसका DR नेचर होगा, तो उस लोन को तो करेंगे हम DR और कैपिटल को करेंगे CR, तो ऐसी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन। बी नाम होता तो बीज कैपिटल टू बीज लोन, ऐसे करके एंट्री होती, असेट साइड वाले लोन को ट्रांसफ़र करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर लाइव साइड में होगा तो क्या होगा। कहता है अगर लाइब्रेरी साइड में है लोन, तो ये बताता है
कि पार्टनर ने लोन फर्म को दे रखा है और फर्म ये लोन लौटाएगी और वाकई में हम ये लोन लौटा देंगे, इसमें हमारा कैश जाएगा और पार्टनर्स लोन आएगा ऊपर, ये सारी बातें लिखिए। इन सच केस पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ आफ्टर पेइंग द एक्सटर्नल लायबिलिटी, द पार्टनर्स लोन इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इन फैक्ट इट इज़ पेड इन कैश। तो पार्टनर्स लोन टू कैश हो जाएगा, ठीक है, आपको जितना हजम हो रहा हो आप समझ से जाएंगे, ऐसी बात नहीं, आप समझ भी रहे होंगे। ओके, कुछ बातें और हैं। इफ एनी असेट्स इज टेकन बाय एनी क्रेडिटर, नो एंट्री इज पास्ड। देखो कार के एग्जांपल लेते हैं, कार अगर सेल करेंगे तो कैश टू कार, कार को अगर बी ले लेगा तो बी इज कैपिटल, सॉरी वापस, अगर कार को सेल करेंगे तो कैश टू रियलाइजेशन, कार को बी ले जाएगा तो बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर कार हमने क्रेडिटर को दे दी तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इफ़ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट एनी पर्टिकुलर लायबिलिटी, वी विल अज्यूम दैट सेम वुड हैव बीन पेड एट बुक वैल्यू। कभी कभी क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट में दिखेगा 10,000, 20,000, लेकिन नीचे पेमेंट कितना हुआ वो नहीं लिखा होगा, तो भी आपको उसका पेमेंट करना है। तो कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन हो ना हो, आपको उसका पेमेंट करना है, ठीक है सर। चलिए, वेदर असेट्स आर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, कलेक्शन एंट्री विल बी द सेम, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए प्लांट बेचा तो एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन, और कभी कभी बोलेगा अनरिकॉर्डेड प्लांट सोल्ड, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सोल्ड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सोल्ड, व्हाटएवर कुछ भी ये बोले आपको एंट्री यही करनी है कैश टू रियलाइजेशन। तो असेट्स बुक्स में हो, रिकॉर्डेड हो तो भी अच्छी बात, अनरिकॉर्डेड हो तो भी कलेक्शन होने पर एक ही एंट्री होगी, तो आप कन्फ्यूज मत होना, छोटी छोटी बातें कन्फ्यूज मत होना। वी कैन, अब लाइक लास्ट पॉइंट है, वी कैन स्टार्ट अ डिसोल्यूशन क्वेश्चन ओनली व्हेन बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन वी विल मेक अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट मिलेगी मिलेगी, अगर आपका डिसोल्यूशन 31 मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ तो उस दिन की बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो आप पहले एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट होने या बनाने के बाद ही क्वेश्चन शुरू होगा, उससे पहले शुरू भी नहीं हो सकता, ठीक है सर। बहुत आपने ध्यान से सुना, अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, होप आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया, पीपीडी में अपन ने एंट्रीज देख ली, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन आएगा कैसे और अपन उसको करेंगे कैसे। आइए, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:2:1, तीन पार्टनर होते थे, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज, ये उनका बैलेंस शीट था। जरा देखें बैलेंस शीट में क्या था, कैश था, डेटर था, प्रोविजन बना हुआ था, यानी डेटर 1300 के थे पर 300 रुपये मिलना डाउटफुल था, स्टॉक था, फर्नीचर वगैरह था। इधर से लाइब्रेरीज में क्रेडिटर है जिसको अपन आउटसाइड लाइब्रेरी बोलते हैं, और पार्टनर्स ने इतना इतना कैपिटल लगा रखा था, तो एक अच्छा खासा बैलेंस शीट था। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, इन्होंने कहा कि हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, बस अब हमें पार्टनरशिप नहीं चलानी, बिजनेस बंद करना है। द फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज, तो हमें ये पैसा मिला, जैसे फर्नीचर से मिला 4500, स्टॉक से मिला, डेटर से मिला। क्रेडिटर्स वर पेड इन कंप्लीट डिस्चार्ज 1900, क्रेडिटर्स को निपटा दिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 60, सारा सुना मैंने, कहा तू चाहता क्या है। पास जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, आप जनरल एंट्रीज करो एंड शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो लेजर पे तो अपन बात नहीं करते, अपन जनरल एंट्रीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, ये जो लिखा है ये आपका असेट साइड है, ये जो है आपका असेट साइड है, और मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया DR, ऑल्दो लिखा नहीं होता पर मैंने DR लिख दिया। इस तरफ आपका लायबिलिटीज होता है और उस पर मैंने लिख दिया CR। हमें पक्की पक्की इस बात की समझ होनी चाहिए कि असेट्स का DR नेचर होता है, तो सबसे पहले कैश का DR नेचर है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। फिर डेटर का DR नेचर है, तो मैं डेटर को ट्रांसफ़र करूँगा, तो डेटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे सर, कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन में। तो सर मैंने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट DR टू डेटर्स। अभी मैं नया नया हूँ तो मैं एक एक करके ट्रांसफ़र करता हूँ। सबसे पहले मैंने 1300 रुपये को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन टू डेटर्स। मैं प्रोविज़न की बात नहीं करता, ये जो स्टॉक होता है सर इसका DR नेचर होता है, तो हम स्टॉक को CR करेंगे, स्टॉक को हम CR करेंगे
और इसे भी हम रिलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनी बेटा रिलाइजेशन अकाउंट DR टू स्टॉक। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो हम बुक वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे। फर्नीचर एंड अदर एसेट्स का नेचर होता है DR और हम इसे करेंगे CR। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्लोज करना है, जैसे मैंने अभी समझाया एंट्री समझाते समय कि सबसे पहले अकाउंट्स क्लोज करने हैं और उनके लिए आपको रिलाइजेशन लिखना है। अब आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, पहली कि सर आपने कैश को ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया। तो देखिए बाकी सबसे तो मुझे वसूली करनी पड़ेगी, जैसे डेटर से मुझे पैसा वसूल करना है, स्टॉक को बेचना पड़ेगा, फर्नीचर को सेल करना पड़ेगा, लेकिन कैश तो खुद ही कैश है, उसको मैं कहाँ सेल करूँगा। ये सबसे मुझे पैसा वसूल करना है, कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड होता है, तो कैश को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। दो वर्ड में बोलूँगा, या तो ट्रांसफ़र करना या अकाउंट क्लोज करना। तो कैश को अपने को ट्रांसफ़र नहीं करना। रहा मैटर प्रोविज़न का, प्रोविज़न का नेचर CR होता है, क्योंकि ये डेटर्स को रिड्यूस करने वाली आइटम है, इट हैज़ CR नेचर। अब इसका CR नेचर है नाउ डेबिट इट। अब PBD को मैंने DR कर दिया, यानी जो उनका नेचर है ना, मैं उसके अगेंस्ट लिख रहा हूँ, PBD टू रियलाइजेशन। इन दिस वे एंट्री विल बी डन। PBD टू रियलाइजेशन एंट्री 300 रुपये से होगी। अच्छा सर आगे देखिए, ये साइड हो गया जैसे तैसे, आ जाओ क्रेडिटर, इट हैज़ CR नेचर। क्रेडिटर का CR नेचर होता है तो मुझे और क्रेडिट नहीं करना, मैं क्रेडिटर्स को DR करूँगा। क्रेडिटर्स को DR किया, टू रियलाइजेशन लिखा और एंट्री हो गई सर क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, आपका पहला फेज पूरा हुआ, आपका जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो पूरा हुआ। पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र नहीं करना, कैश को ट्रांसफ़र नहीं करना। अब हम ये जानना चाहते हैं कितना कितना पैसा मिला। क्वेश्चन कहता है कि फर्नीचर वगैरह से 4500 हमें मिला, तो कैश कम्स, कैश आया तो कैश को करेंगे DR, जो आता है वो DR होता है। अब आपको एंट्री लिखनी है कैश टू रियलाइजेशन, यानी हमने फर्नीचर सेल किया है पर हमें फर्नीचर क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि वो हम पहले ही क्रेडिट कर चुके। आपको तो आप केवल पैसे वसूल करने हैं। आपको ये 4500 रुपये कैश मिला है फर्नीचर से, 2260 रुपये मिला है स्टॉक से, और 900 रुपये मिला है डेटर से। ये आप सारा जोड़ दो, 7660 रुपया। ये एंट्री हो गई कैश टू रियलाइजेशन। फर्दर क्रेडिटर्स को हमने कंप्लीट डिस्चार्ज कर दिया, पूरा निपटा दिया उनको 1900 में, तो हमारा कैश गया। तो कैश गया, जाने वाला CR होता है, तो कैश आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा रियलाइजेशन। आपके मन में क्रेडिटर आता है, डिस्काउंट आता है, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिसोल्यूशन अकाउंटिंग बहुत सिंपल होती है, सिंपली ट्रांसफ़र करो, सिंपली कलेक्शन और पेमेंट करो। तो रियलाइजेशन टू कैश आपको 1900 रुपये पे करने हैं और आपने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी। हाँ सर आगे आगे लिखा है सर एक्सपेंसेस 60 रुपये का खर्चा हुआ, तो आपका कैश गया और ऊपर आ जाएगा सर रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन, अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नो, यू जस्ट नीड टू राइट रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश, और ये हो गया 60 रुपये। अब सच पूछिए तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे कम से कम। आपको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, आपको बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और आपको बनाना होगा कैश अकाउंट। लेकिन अभी जस्ट ये पहला क्वेश्चन ही है तो मैं तीनों अकाउंट नहीं बनाता, मैं जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, थोड़ा सा रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए, ये है आपका बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। सबसे पहली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू डेटर्स, तो रियलाइजेशन की डेबिट लोकेशन है तो अपन डेबिट लोकेशन में लिखेंगे टू डेटर्स 1300। रियलाइजेशन टू स्टॉक, डेबिट लोकेशन है तो जाके DR में लिखेंगे टू स्टॉक 2000। रियलाइजेशन टू फर्नीचर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू फर्नीचर एंड अदर असेट्स
5000. नेक्स्ट इज पीबीडी टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन का क्रेडिट लोकेशन है, गो टू क्रेडिट साइट, राइट पीबीडी. क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का सीआर नेचर है, सीआर में जाके क्रेडिटर्स लिख दो 2000 रुपए. कैश टू रियलाइजेशन, इसमें रियलाइजेशन का क्रेडिट पोजीशन है तो यहां लिख दो बाय कैश. आप यहां डिटेल लगा देना कितना पैसा मिला कहां से. टोटल आपको 7660 मिला है. नेक्स्ट इज रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन में आ जाएगा टू कैश. तो लेजर पोस्टिंग तो बहुत आसान होती है, ये तो अपन छोटी क्लासेस में भी सीख लेते हैं. और लास्ट है रियलाइजेशन टू कैश. आखिर में बस हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है. अकाउंट बनाने से सिंपली बस आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा. आपकी क्रेडिट साइड में 2300 9960, आपका सी आर साइड है 9960 और 2000 3300 8300 9310 260. डी आर साइड में है आपका 10260. तो दोनों साइड का जो गैप है सर वो है 300. डी आर साइड जीत गया है और सी आर साइड में 300 रुपये कम है. ये 300 रुपये लॉस दिखाता है. डेबिट की तरफ असेट है, यहाँ इनका कलेक्शन है. असेट ज़्यादा थे, कलेक्शन कम था, तो आपको नुकसान हुआ है. ये जो नुकसान होगा सर ये पार्टनर्स में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लॉस. और इनका जो शेयरिंग रेशो है वो है 2:2:1. तो सर इनका अमाउंट हो जाएगा आपका 60, उससे पहले 120, उससे पहले 120. फाइनली यहाँ से आप एक एंट्री ड्रॉ करेंगे और वो एंट्री होगी पार्टनर्स हैविंग नेम एबीसी, एबीसी टू रियलाइजेशन. ओके सर, 300 रुपये, 120 120 60. तो बेटा अपन ने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि अगर किसी फर्म का समापन हो जाता है, कोई फर्म लिक्विडेशन में चली जाती है, तो हमें क्या करना है. सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट पे जाना है. बैलेंस शीट में जितने भी असेट हैं, जिनसे पैसे मिलने हैं, वो सब आपको ट्रांसफ़र करने हैं. ठीक है सर, सबसे पहले असेट ट्रांसफ़र कर दिया. इसके बाद आपका जो लाइब्रीज है, जो आपको पे आउट करना है बाहर वाला, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, सब नहीं एक्सटर्नल लाइब्रेरी, उसको ट्रांसफ़र करना है. फिर दो काम करने हैं, असेट से कलेक्शन करना है. जितना पैसा आए आप उतना लिखते जाओ और जितना आपका पेमेंट होता जाए आप वो लिखते जाओ. इसका नतीजा जानने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जो सिंपली पोस्ट करके बन जाएगा. सिंपली पोस्ट करो डी आर और सी आर के बेसिस पे. आपको जैसे पता लग गया 300 का लॉस है, जो भी नतीजा है, वेदर लॉस और प्रॉफिट, आप उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल में.